एमपी की राजधानी भोपाल में छठ महापर्व का मुख्य आयोजन रविवार को शीतलदास की बगिया खटलापुरा कमला पार का मां सरस्वती मंदिर भेल बड़खेड़ा में होगा और साथ ही 50 से अधिक अलग अलग स्थानों पर छठ पूजा होगी। भोजपुरी एकता मंच द्वारा यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। रविवार को डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर आराधना करना, सूर्य भगवान को नौकाविहार करना और 2100 दीपों का दीपदान करना आकर्षण केंद्र का रहेगा। साथ ही वहीं भोजपुरी लोक गायक अपनी प्रस्तुतियां उनके द्वारा दी जाएंगी और रविवार और सोमवार को छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर काम पूरा हो गया है। शनिवार को भोजपुरी समाज के लोगों ने पूरे दिन व्रत रखकर संध्या को प्रसाद ग्रहण किया है। साथ ही इसे खरना या लोहंडा भी कहा जाता है। और इधर शनिवार को भोजपुरी समाज के लोगों ने घाटों की निरीक्षण किया, तैयारियों का अवलोकन, सभी घाटों और कुंड विद्युत साज सज्जा से जगमग उठे। कोरोना के कारण 2 साल बाद सामूहिक आयोजन 50 से अधिक स्थानों पर किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं जो है वो निर्जला व्रत रखेंगे और शाम को घाटों पर पूजा अर्चना करेंगे। व्रतधारी घाटों पर पहुंचकर गन्ना सहित अन्य ऋतु फल पकवान बांस के सूप और साथ ही डलियों में रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। शीतलदास की बगिया खटलापुरा घाट काली मंदिर घाट अशोक का गार्डन करोद्र और बाघ सेवनिया विश्वकर्मा मंदिर सरस्वती मंदिर बरखेड़ा और शिव मंदिर कलियासोद जाटखेड़ी द्वारका नगर राजेंद्र नगर ओल्ड सुभाष नगर अशोका गार्डन अयोध्या नगर आदि स्थानों के मंदिरों में पूजा कुंड बनाए गए हैं जिसमें सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जा सके।